अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रेसडन के स्टूडेंटन हॉस्टल से एक मैं आपको एक खुश आमदीद कहता हूँ। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ड्रामेबाजी करने की अपनी तरफ से फनकारी दिखाने की कोशिश की है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो गुड, अगर ना अच्छी लगे तो फिर भी गुड। साथ में ये सिल्वर कलर की बिल्डिंग है, इस पर कोई जो है ड्रामेबाजी नहीं की गई, सीधी सीधी सिल्वर की जो है ना वो उन्होंने बना दी हैं। और इसमें भी वो किस्म की खिड़कियां तो हैं वो बड़ी बड़ी वाली, लेकिन इसको कोई रंग रुंग नहीं किया उन्होंने जैसा कि इस बिल्डिंग में कर दिया है। शाम का वक्त है, 7 बज चुके हैं, सूरज आपको पता ही है गर्मियों में यहाँ पे 9-10 बजे ग्रुप होता है, तो यहाँ पे इवनिंग टाइम में देखें जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके मशागल क्या हैं। कुछ लोग जो हैं वो देखें स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अभी अभी घरों को वापस आ रहे हैं, और कुछ जो थे यहाँ पर अभी वो थे वो साइकिल ठीक कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट अपनी गालबन अपनी साइकिल ठीक कर ली है और वो जा चुके हैं। और दाएं तरफ चलते हैं, बाएं तरफ तो बहुत कुछ हो गया, आपको बताते चलूँ। ये एक यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है, ज़रा थोड़े से फासले पे, वो छोटा सा है लेकिन बहरहाल है। और ड्रेसडन में ऑर्थोडॉक्स चर्च देखे ना, ये सिम्बॉलिक मीनिंग है इसके, समझा करें ज़रा। दाएँ तरफ चलते हैं, दाएँ तरफ भी देखें कोई बंदा ना बंदे की ज़ात मुझे नज़र आ रही है, कोई नहीं बंदा यहाँ पे, इसलिए मेरा ख्याल है कि वापस ही चलते हैं, आपको दूसरी ड्रामेबाजी दिखाते हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने एक और ड्रामेबाजी की है, ये जो है इटालियंस की जो है नकल करते हुए इन्होंने कुछ जो है ना मूर्तियाँ शूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं यहाँ पे। ये पता नहीं सिज्जे में पड़ी है या किस में पड़ी हुई है, और वो जो है मूर्ति वो उसको भी पता नहीं क्या सोच रहा है, वो भी झुकी पड़ी है। और इसकी जो है इस मूर्ति की बाजू नहीं है, पता नहीं बाजू इसके किधर चले गए हैं, टांगे बहरहाल इसकी सलामत हैं। और इसके साथ ही अभी कुछ दिखाने के लिए और तो नहीं, सो बाय बाय।